दोस्तों, आपने मटर पनीर तो बहुत तरीके का खाया होगा, बट एक बार आप इस वाले मटर पनीर को ट्राई करना। इसे बनाना बहुत ही आसान है, फटाफट बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। और इसकी ग्रेवी देख रहे हो ना आप, चावल के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ या मिस्सी रोटी, किसी के साथ भी आप इसे ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगा और बनने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो देर न करते हुए चलिए किचन में बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही पास में बने घंटे पर भी दबा दें और उसके बाद में ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मटर पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक जो है वो गैस पर कढ़ाई रख दी है। आप जो है वो कढ़ाई नॉन स्टिक ले लीजिए या फिर कोई स्टेनलेस स्टील की कोई भी बर्तन आप ले लीजिए, और उसमें मैंने 2 चम्मच जो है वो रिफाइंड ऑयल डाल दिया, साथ में ही 1 चम्मच जो है वो जीरा डाल दिया, और एक मैंने यहाँ पर बड़ी इलायची और एक जावित्री का जो है वो टुकड़ा डाल दिया है। गैस का फ्लेम आपको हल्का रखना है, अदरवाइज़ क्या होता है मसाले बहुत ही जल्दी जल जाते हैं। और इसके बाद में 1 से 2 आपको लौंग डालनी है, ज़्यादा मत डालिए, और 2 से 3 आपको यहाँ पर काली मिर्च डालनी है। मैंने एक्चुअली 3 से 4 डाल दिए, बट आप थोड़ा सा कम ही डालिए वरना जो है वो थोड़ा सा मसाला इसमें ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर जो है वो कटा हुआ लहसुन डालेंगे। आपको 6 से 7 जो है वो कलियाँ हैं उन्हें छोटा छोटा काट लेना है, और साथ में ही थोड़ी सी अदरक भी आपको यहाँ पर कटी हुई डाल देनी है। और लहसुन और अदरक को आप एक बार अच्छी तरीके से हल्का सा जो है यहाँ पर भून लीजिए, और गैस का फ्लेम आप यहाँ पर जो है वो हल्का ही रखिए, अदरवाइज़ क्या होता है कि जीरा और जो खड़े मसाले ना बहुत जल्दी जो है वो जल जाते हैं। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पर 2 जो है वो मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उन्हें फाइन चॉप्ड कर लिया था इस तरीके से, और उन्हें भी यहाँ पर जो है वो डाल दिया है। प्याज को आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से भून लेना है। प्याज अच्छी तरीके से भुनेगा तभी आपकी जो ग्रेवी है ना बहुत ही बढ़िया बनेगी। प्याज भूनते समय आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। आप इस तरीके से प्याज भुनेंगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, 3 से 4 मिनट में आपका प्याज जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर भुन करके तैयार हो जाएगा। एक्चुअली हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर जो प्याज है, टमाटर है और सारे मसाले वगैरह जो हैं उन्हें हम लोग जो है वो मिक्सी में पीस लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी ग्रेवी जो बहुत ही स्मूथ बन जाएगी और खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। तो प्याज लगभग यहाँ पर भून करके जो है वो तैयार हो गया, देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पर 3 जो है वो टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर भी आप फाइन चॉप कर लीजिए या रफली चॉप कर लीजिए, क्योंकि एक्चुअली हम लोगों को बाद में इसे पीसना ही है, बट ये हमारा पर्पस रहेगा कि टमाटर और प्याज जो है वो अच्छी तरीके से भुन जाने चाहिए। अगर आप टमाटर को जो है वो अच्छी तरीके से नहीं भूनेंगे तो जो हम लोगों को टेस्ट चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, इसलिए टमाटर और प्याज को भूनने में आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको इन्हें अच्छी तरीके से जो है वो कुक करना है, तभी हमारी ग्रेवी जो है वो परफेक्ट तरीके से बहुत ही बढ़िया बनेगी। और इसे भी भूनने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लगभग 5 मिनट में जो है वो टमाटर आपका बढ़िया तरीके से भून जाएगा कुछ इस तरीके से। देखिए टमाटर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से भून करके तैयार हो चुका है। अब इसके बाद में हम लोग इसमें 1 चम्मच जो है वो हल्दी पाउडर डालेंगे, साथ में ही मैं यहाँ पर 1 चम्मच जो है वो सब्जी मसाला डाल रहा हूँ, और इसके बाद में 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्च पाउडर। अगर आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च या फिर डेगी मिर्च भी डाल दीजिए, उससे कलर थोड़ा सा बढ़िया आ जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्च यहाँ पर डाल दीजिए, और मसालों को जो है वो 2 मिनट अच्छी तरीके से भून लेना है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो पानी ऐड करेंगे, पानी डाल के जो है वो मसालों को अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि टमाटर, प्याज और मसाले जो है वो सारे अच्छे तरीके से जो है वो बन जाएं। और इसके बाद में इसे 2 से 3 मिनट हम लोग जो है वो कुक करेंगे, और फिर इन्हें जो है वो लोग मिक्सर ग्राइंडर में डाल के पीस देंगे, और बस हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। इसके बाद तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। पीसने से पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप कोशिश करिए कि जो साबुत मसाले हैं वो थोड़े से, अगर आपको बड़ी इलायची वगैरह है उसे निकाल दीजिए, अगर आप जो है यहाँ पर एक लौंग ज़्यादा पड़ी है तो वो भी 1-2 पीस उसके निकाल दीजिए। अदरवाइज़ होता क्या है कि आप अगर ज़्यादा मसाले डालेंगे, पीस देंगे, तो उसका फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप कोशिश करिए कि थोड़े से मसाले जो है वो निकाल दीजिए। इसके बाद में एक मैंने मिक्सी का जार ले लिया है, उसमें सारे मसाले जो है, जो हम लोगों ने टमाटर प्याज का पेस्ट तैयार किया था, उसे डाल के पीस लेना है। इसे थोड़ा सा ठंडा करके ही पीसें, वरना टेस्ट इसका जो है वो थोड़ा सा बदल जाता है। तो आप कोशिश करिए इसे ठंडा करके पीसिए और एकदम इस तरीके से बढ़िया स्मूथ पीस लीजिए। देखिए कितना बढ़िया पीस करके तैयार हो गया ना। इस तरीके से आप ग्रेवी बनाएंगे तो शायद आपका मटर पनीर जो है वो आपने अभी तक खाया नहीं होगा पैसा बनेगा। इसके बाद दोस्तों मैंने गैस पर वही कढ़ाई रख दी थी जिसमें हम लोगों ने टमाटर प्याज भूना था। हमें ज़्यादा बर्तन बिल्कुल भी नहीं ख़राब करने हैं। उसमें जो है मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मक्खन डाल दिया। अगर आपके पास मक्खन नहीं है
तो आप देसी घी डाल दीजिए, देसी घी या मक्खन डालिए, इससे ही बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा मटर पनीर का। तो जो है यहाँ पर मक्खन जो है वो मेल्ट हो चुका है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर मटर डालेंगे, हरी मटर डाल रहा हूँ मैं। अगर आपके पास जो है वो फ्रोजन है तो आप फ्रोजन भी यहाँ पर डाल सकते हैं। और बटर में आप इस तरीके से मटर भूनते हैं ना तो उसका फ्लेवर काफ़ी बढ़िया हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने 3 से 4 जो है वो हरी मिर्च काट ली थी फाइन चॉप्ड। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो थोड़ी सी ज़्यादा, अदरवाइज कम डाल दीजिए। इसके बाद आधा चम्मच मैं यहाँ पर साबुत धनिया डाल रहा हूँ, इससे इसका जो पनीर का फ्लेवर है ना वो काफ़ी बढ़ जाता है। एक बार आप ट्राई करके देखना, आप थोड़ा सा जो है वो साबुत धनिया डालना, जब ये दांतों के नीचे आता है ना तो इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जा लगता है। तो मैंने जो है वो लगभग यहाँ पर आधा चम्मच डाला है, आपको बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि जो है वो जो हम लोगों ने टमाटर प्याज की ग्रेवी बनाई थी ना उसे पीसा था उसे यहाँ पर डालना है। और इसे डालने के बाद में इसे आपको लगभग 5 से 6 मिनट जो है वो लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से भूनना है, ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो अच्छी तरीके से भून जाए, उसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाए। और इस तरीके से आप बटर में जब इस तरीके की ग्रेवी को आप भूनेंगे ना तो इसका टेस्ट जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और इस तरीके से मटर पनीर बनाना बहुत ही आसान है। सब सारी सब्ज़ियाँ आपको जो है वो भून लेनी है, भूनने के बाद में जो है कुछ नहीं करना है, उन्हें अच्छी तरीके से एक बार जो है वो ऑयल में फिर से भूनना है और बस पनीर मिक्स करना, और फटाफट आपकी मटर पनीर तैयार हो जाएगा। और वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट में मिलता ना सेम पैसा ही, अगर आप किसी को खिलाएंगे ना तो बता ही नहीं पाएगा आपने घर पर तैयार किया है। और इसके बाद में हम लोग जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक डालेंगे। मैंने यहाँ पर लगभग 2 चम्मच जो है वो नमक डाल दिए, इतने में जो है वो नमक यहाँ पर हो जाएगा। और इसके बाद में देखिए हमारी जो है वो ग्रेवी यहाँ पर बढ़िया तरीके से पक गई है। अब हम लोग जो है यहाँ पर पानी ऐड करेंगे। पानी आप जो है अपने हिसाब से ऐड कर दीजिए, कि अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए, आपको राइस वगैरह के साथ में लेना है तो थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो पानी ऐड कर दीजिए, अदरवाइज़ अगर आप रोटी के साथ में ही खा रहे तो कम ही रखिए। इसके बाद में ढक्कन लगा के आपको इसे 5 मिनट जो है लो फ्लेम पर कुक करना है। तब तक हम लोग क्या करते हैं, मैंने जो है वो एक तवा ले लिया है और उस पर मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया और पनीर को हम लोग जो है वो थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो पनीर को जो है वो इस तरीके से फ्राई कर लीजिए, अदरवाइज आप ऐसे ही इसे डाल दीजिए। दोनों तरीके से पनीर जो है वो काफ़ी बढ़िया लगता है और अपनी अपनी पसंद है, अगर आप फ्राई करके डालते तब भी काफ़ी बढ़िया लगेगा। और इस तरीके से आपको जो है वो इसे बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बस हाई फ्लेम पे जो है वो 2 मिनट तक फ्राई करना है और थोड़ा सा साइड से पलट देना है, इस तरीके से इसका कलर चेंज हो जाएगा। और इस तरीके से आप जो है पनीर कभी भी भून के ग्रेवी में डालते हैं तो इसका स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है। तो आप इसे जो है एक बार भून के ही ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगा। और मैंने जो है वो पनीर को यहाँ पर जो है वो अच्छी तरीके से भून लिया है। तब तक हमारी ग्रेवी वो जो है यहाँ पर जो ढक्कन लगा के रखी थी वो भी बढ़िया तरीके से पक गई है। और इसे डायरेक्ट आपको जो है वो पनीर को ग्रेवी में ही डाल देना है। देखिए ग्रेवी भी हमारी जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर पक करके तैयार हो गई है, और जो है वो ना तो ज़्यादा पतली है ना ही ज़्यादा गाढ़ी है। राइस वगैरह के साथ में या रोटी चपाती के साथ में बहुत ही बढ़िया लगने वाला है वाला मटर पनीर। इसके बाद हम लोग जो है वो डायरेक्ट पनीर को इस ग्रेवी में जो है वो ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद में इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है और बस हमारा मटर पनीर बिल्कुल तैयार है। कभी भी आप इस तरीके से मटर पनीर बनाइए, बहुत ही जल्दी फटाफट बन जाता है। जिस तरीके से आप टमाटर प्याज सारी सब्जियां बारीक बारीक काट के उन्हें भून के और फिर जो है वो बनाते हैं, उसमें इतना टेस्ट भी नहीं आता है। बट ये वाला आप मटर पनीर में क्या करेंगे, आप रफली अगर जो प्याज टमाटर भी चॉप कर देंगे, बस उसे अच्छी तरीके से भूनना है और पीसना है, तब भी आपका मटर पनीर बहुत ही शानदार ज़बरदस्त बनने वाला है। देखने में लग रहा ना एकदम रेस्टोरेंट जैसा, बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो इस तरीके से जो है आप लोग अपने घर पर एक बार मटर पनीर जरूर ट्राई करना। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर लास्ट में जो है वो गरम मसाला ऐड कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो गरम मसाला ऐड कर दीजिए। पहले ही हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी खड़े मसाले वगैरह डाल दिए हैं, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर ऐड कर दीजिए, अदरवाइज़ गरम मसाला आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। और इसके बाद में अगर आप चाहें तो इसमें जो है वो क्रीम डालिए, बट मैं यहाँ पर नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मटर पनीर है, उसमें क्रीम की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपके पास पड़ी है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, आपकी बिल्कुल मर्जी है। लेकिन फिर क्या होता है कि मटर पनीर हो गया, शाही पनीर हो गया, फिर उसमें कोई भी फ़र्क नहीं रह जाता है। तो इस तरीके से आप जो है वो बिना क्रीम के ही बनाइए, काफ़ी बढ़िया लगेगा। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर दोस्तों कसूरी मेथी को जो है वो रोस्ट कर लिया था और उसे हाथ से क्रश करके और इस तरीके से डाल देना है। इसके जो पनीर का फ्लेवर है ना उसमें 4 चांद लगा देगी कसूरी मेथी, और हरा धनिया आप ऊपर से डाल दीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त लगने वाला है। और हमारा मटर पनीर यहाँ पर दोस्तों बन करके तैयार है। ग्रेवी काफ़ी बढ़िया बनी है, ना ही ज़्यादा गाढ़ी और ना ही ज़्यादा पतली, और पनीर के पीसेस देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं, क्योंकि हम लोगों ने उसे थोड़ा सा जो है वो तवे पे हल्का सा सेंक दिया था।
और लग रहा ना दोस्तों बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो आप इसे जो है वो एक बार अपने घर पर जरूर ट्राई करना, और इस तरीके से आप हांडी में निकाल के सर्व करिए, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला होगा। शायद आपने जो है वो इस तरीके से मटर पनीर कभी घर पर जो है वो नहीं ट्राई किया होगा, और एक बार जो है ट्राई करिए, मैं गारंटी लेता हूँ कि सभी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बस दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। All right, all right, all right.